नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका एट स्लैश यूट्यूब चैनल पे। तो लास्ट वीडियो में हमने दो ऑपरेटर्स पढ़ लिए थे जावा के अंदर। फर्स्ट इज अर्थमैटिक ऑपरेटर एंड सेकेंड इज यूनरी। तो आज हम बाकी बचे हुए ऑपरेटर्स पढ़ रहे होंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट ऑपरेटर जो है वो है असाइनमेंट। अब असाइनमेंट ऑपरेटर क्या हो? असाइनमेंट ऑपरेटर में एक वर्ड आ रहा है असाइन। अब ये जो वर्ड आ रहा है असाइन, इसका मतलब क्या होता है? बेसिकली हम जैसे किसी को काम असाइन करते, जैसे मैंने आपको बोला ये दो क्वेश्चन करके आना, तो मैंने आपको दो क्वेश्चन करने का टास्क असाइन कर दिया। वैसे ही असाइनमेंट ऑपरेटर हमारे लिए क्या करते हैं? बेसिकली वैल्यूज को असाइन करते हैं वेरिएबल्स के अंदर। ठीक है, तो देखते हैं। एक ऑपरेटर हम पढ़ भी चुके हैं असाइनमेंट ऑपरेटर का, जस्ट दैट कि हमें उसका नाम नहीं पता है। तो देखते हैं हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर किस तरीके से काम करता है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज सिंपल असाइनमेंट, जो हम यूज कर रहे थे। ठीक है, इसमें हम यूज कर रहे थे, जैसे हमने लिखा था इंट ए इक्वल्स टू 5। तो हम इक्वल्स टू क्या था वहाँ पर? एक असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, अब एक एक करके सारे ऑपरेटर्स पढ़ते हैं, सबका कोड करते हैं। ठीक है, हमारा एडिशन असाइनमेंट होता है, सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट होता है, मल्टीप्लीकेशन एंड असाइनमेंट होता है, डिविजन एंड असाइनमेंट एंड मॉड्यूल एंड असाइनमेंट। तो एक एक करके सारे पढ़ते हैं और इवेंचुअली मूव करते हैं। तो मैं आ गया वीएस कोड पे। हमारी ऑपरेटर्स वाली फाइल यहाँ पे बनी हुई थी पहले से, जो हमने लास्ट वीडियो में बनाई थी। तो मूव कर, सबसे पहले हमने सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ते हैं। तो मैंने लिखा इंट ए इक्वल्स टू 5। अब यहाँ पर जो हमारा ए है, हमारी जो 5 वैल्यू है वो किस में जाके असाइन हो रही है? ए में। तो ये किसकी वजह से हो गई? हमारे इस ऑपरेटर की वजह से। इसको कहते हैं हम सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, मोस्ट सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर जो अभी तक हम यूज कर पा रहे। ठीक है, आई होप सो बहुत छोटी सी बात थी, आपको समझ आ गई। तो इसके बाद ना हमारे पास कुछ और असाइनमेंट ऑपरेटर जो हमारे को हेल्प करते हैं, जस्ट एक छोटा सिंटेक्स। ठीक है, बहुत सारी चीजों को आप अज्यूम करो कि ये जो ए है ये आपके पास पैसे है, ये ए इक्वल टू 5, आपके पास 5 रुपये है। ठीक है, अब मैंने आपको 10 रुपये दे दिए, तो उसको किस तरीके से लिखना चाहिए? क्या ये बात देखना सही है? मैंने लिखा ए इक्वल्स टू 1 प्लस 10। क्या ये बात बिल्कुल सही? अब इसमें इस केस में होगा क्या? ये ए की वैल्यू 5 है, 5 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 15। 15 किस में चला जाएगा? ए में। तो ए की वैल्यू यहाँ पर 15 होनी चाहिए। ठीक है, इसको प्रिंट भी करके देख लेते हैं ए की वैल्यू क्या है। तो मैंने यहाँ पे लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ए। तो इसको को रन करके देखते हैं, तो यहाँ पर आ रहा है 15। बिल्कुल सही हमारे को यही आंसर है। अब जस्ट इसको थोड़ा सा शॉर्ट में लिखने के लिए हम एक असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं, दैट इज असाइनमेंट एंड एडिशन एंड असाइन। ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा ए प्लस इक्वल्स टू 10। दोबारा से हम एक को प्रिंट करके देखते हैं कि क्या आ रहा है। कोड रन करता हूँ, क्या आ रहा है? 15। तो बिल्कुल सेम वही रिजल्ट आ रहा है, बिल्कुल सेम काम भी वही हो रहा है, जस्ट दैट इट इज अ शॉर्ट सेंटेंस। एक छोटा तरीका है लिखने, इससे हमारे कोड थोड़ा अच्छा दिखता है और कई जगह पर हमें आसानी होती है, और बाकी इस ऑपरेटर का कोई खास नहीं। इसके बाद सिमिलर इसी तरीके से हम माइनस भी कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, हमारा मॉड्यूलस को कर सकते हैं। तो देखते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अगर मान लो उसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। अब मैंने लिखा ए माइनस इक्वल्स टू 10। मैंने ये चीज लिख दी, ए माइनस इक्वल टू 10 का मतलब है ये किस चीज को डिपिक्ट कर रहा है आपको पता है? ए इक्वल्स टू ए माइनस, ये इस चीज को डिपिक्ट कर रहा है। जस्ट दैट कि ये छोटा सिंटेक्स है इसी चीज को लिखने के लिए। तो ए माइनस इक्वल टू 10, देखते क्या आएगा। 5 माइनस 10 क्या आना चाहिए? -5। ठीक है, -5 बिल्कुल सही। इसी के साथ हमारा सब्ट्रैक्शन एंड असाइन ऑपरेटर हो गया। अब हमारा मल्टीप्लीकेशन समझते हैं। ए इंटू इक्वल्स टू 10, तो ये हमारा किसके बराबर होगा? बेसिकली ए इक्वल्स टू ए इंटू 10,
इस चीज़ पर हम लोग इसको कर देता हूँ, सेमी कोलन लगाना भूलिएगा, आप भी सेमी कोलन लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। ए मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 10, इसका क्या आंसर आना चाहिए बेसिकली, 5 × 10 50, देखते हैं क्या आ रहा, 50 आ रहा, बिल्कुल ही सही आंसर आ रहा हमने सोचा था, ठीक है। यहाँ पर भी वही सेम काम हो रहा है, ये शॉर्ट सिंटेक्स है और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो अब हम डिवीजन वाले पे आगे मूव करते हैं कि डिवीजन वाला किसे काम कर रहा हो, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए डिवाइड इक्वल्स टू 10, सेमी कॉलन लगा देता हूँ। ये किस चीज को डिपेंड कर रहा होगा, ए इक्वल्स टू ए डिवाइड बाई 10, अब इसका आंसर क्या आना सब देखते हैं क्या आएगा, आंसर फिर से 0 0 2 आ रहा होगा, 8 / 10 5 / 10, मतलब इसको मैं ऐसा कह सकता हूँ 10 / 5, अब 10 तो 5 से जाएगा नहीं, उसका रीजन 10 बड़ा है 5 छोटा है, तो स्मॉलेस्ट मल्टीपल होगा 0, 10 0 का 0 तो अंदर आएगा, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या आ रहा था 0 आ गया, बहुत ही सही चीज चल रही है अभी तक। तो आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हमारा ऑपरेटर आता है मॉडुलस, मॉडुलस एंड असाइन, उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, ए मॉडुलस इक्वल्स टू 10, ठीक है। अगर मैंने इस चीज को लिखा तो ये बेसिकली किस चीज को डिपेंड कर रहा होगा, इक्वल्स टू ए मॉड 10, इस चीज को डिपेंड कर रहा हूँ। अब अगर ये बिल्कुल सही है तो यहाँ पर आंसर क्या आना चाहिए, 5, इसको भी रन करके देखते हैं, ये 5 आ रहा है, तो बिल्कुल सही काम कर रहा है। इसी के साथ हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर कंप्लीट होते हैं, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर बहुत ही आसान थे, बस आपको एक चीज़ का असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते टाइम ध्यान देना कि जैसे मैंने लिखा ना प्लस इक्वल्स टू, तो प्लस इक्वल्स टू का मतलब इन दोनों के बीच में कोई भी स्पेस नहीं होनी चाहिए, नो स्पेस, कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए। सिमिलरली आपने चाहे माइनस इक्वल टू लिखा हो, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू लिखा हो, डिवाइड इक्वल्स टू लिखा हो, या मॉड्यूलस इक्वल्स टू लिखा हो, इन दोनों के बीच में कोई भी स्पेस नहीं आना चाहिए। अगर आप स्पेस देंगे तो ये हमें एरर दे देगा, इस चीज को हम देख भी सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर स्पेस दे दूँ तो ये यहीं पर दिखा रहे हैं, देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं, सिंटेक्स एरर दे रहे हैं, चला के कोड को रन भी करके देख लेता हूँ, ये कह रहा है एरर इलीगल स्टार्ट, ठीक है। तो आपको इसके बीच में कोई भी स्पेस नहीं देना, इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके कोड में एरर्स बहुत कम आएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये वाला ऑपरेटर तो खत्म होता है, काफी सिंपल ऑपरेटर था। नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ मूव करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट ऑपरेटर है वो बेसिकली क्या है, हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर। अब कंपैरिजन ऑपरेटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है, इसका यूज हम बहुत सारी जगह कर लेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होने वाला है कंट्रोल स्टेटमेंट्स एंड कंडीशनल स्टेटमेंट, उसमें भी हम कंपैरिजन ऑपरेटर का ही यूज कर रहे होंगे, तो इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें हम थोड़ा सा टाइम। अब कंपैरिजन का मतलब क्या, कंपैरिजन का मतलब होता है कंपेयर करना, या हिंदी में बात करें तो तुलना करना, कंपेयर। जब हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं, जनरली हम दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे थे कि मेरी हाइट लेट्स से 5'10" है और आपकी हाइट 5'11" है, मैंने यहाँ पे लिखा कि आपकी हाइट 5'10" है और मेरी हाइट क्या है 5'11" से, मैंने लिखा आपकी हाइट है 5.10 एंड मेरी हाइट क्या है 5.11, ये माय हाइट एंड ये योर हाइट, ठीक है। अब कोई बोले कि जो मैं हूँ वो आपसे ज्यादा बड़ा हूँ, तो ये बात ट्रू है या फॉल्स, बट अगर कोई कहे आप कोई मुझसे कहे कि ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है, तो ये बात क्या होगी, बट अगर मुझसे कोई कहे कि ए इज लेस देन, तो ये बात क्या है। कोई एक चीज का ध्यान रखना, जब भी हम कंपेयर करते हैं किसी भी चीज तो हमारे दो ही रिजल्ट आते हैं, या तो ट्रू रिजल्ट आता है या फिर
फॉल्स रिजल्ट आता है, बस ये दो ही रिजल्ट आते हैं, ट्रू या फिर फॉल्स। अब ये जो ट्रू फॉल्स रिजल्ट होता है हमारा, बेसिकली कंपैरिजन ऑपरेटर का जब भी रिजल्ट आ रहा था तो वो ट्रू या फॉल्स ही आता है। तो इसको समझते हैं हमारे रेंज कोड पे और अच्छे तरीके से। उससे पहले हमारे पीपीटी पे चलते हैं, देखते हैं कौन कौन से तरीके होते हैं। सबसे पहले हमारा इक्वल टू ऑपरेटर, जो हमारी बेसिकली इक्वालिटी चेक करता है कि दो नंबर्स या दो क्वांटिटीज इक्वल है या नहीं। नॉट इक्वल्स चेक करता है कि दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए। ग्रेटर देन आपको पता ही होगा कि बड़ा या छोटा चेक कर रहा है, लेस देन हमारा छोटा चेक कर रहा है नंबर, कि नंबर छोटा है कि नहीं, या नंबर या कोई भी एंटिटी। ग्रेटर देन इक्वल्स टू या तो बड़ा हो या फिर बराबर, लेस देन इक्वल्स टू या तो छोटा हो या बराबर हो। तो इनको एक एक करके धीरे धीरे समझ के कि ये किस तरीके से काम करते हैं हमारे, चलते हैं डिस्कॉर्ड पे हमारे। इसको कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि हमें दिक्कत ना दे। अब कंपेयर करते टाइम हमें हमेशा दो चीजों की जरूरत होती है, तो मैं यहाँ पे दो वेरिएबल बना देता हूँ, लेट्स से ए फाइव एंड इंट बी इक्वल्स टू सेवन, बी इक्वल्स टू सेवन एंड। तो अब देखने के लिए इनका आंसर क्या आता है, हमेशा मैंने अभी पहले भी बताया कंपैरिजन ऑपरेटर जब भी हम यूज करते हैं तो इसका जो आंसर होता है वो हमेशा हमारा क्या आता है आंसर, ट्रू या फॉल्स, मतलब एक बूलियन वैल्यू। देख लेते हैं, सबसे पहले हम चलाते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, मैंने लिखा ए इक्वल्स टू इक्वल्स टू। अब ये बेसिकली क्या चेक कर रहा है, हमारी इक्वालिटी चेक कर रहा है, इक्वालिटी चेक कर रहा है, इक्वालिटी चेक कर रहा है कि दोनों इक्वल है। 547 क्या इक्वल है, नहीं है, तो क्या प्रिंट होना चाहिए आंसर, फॉल्स। सही आ रहा है। अगर मैं बी को भी 5 कर दूं यहां और फिर चलूं तो ये ट्रू है, तो बिल्कुल सही काम कर दूंगा। नेक्स्ट इज मैं करता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, मैंने लिखा ए नॉट इक्वल्स टू, क्या लिखा मैंने यहाँ, ए नॉट इक्वल्स टू। अब ये बोल रहा है कि 5 क्या 5 के इक्वल नहीं है, तो ऐसा तो नहीं है ना, 5 तो 5 के इक्वल होता है, ठीक है। तो ए नॉट इक्वल्स टू बी में क्या आएगा, फॉल्स, फॉल्स आ। बट व्हाट इफ अगर मैं यहाँ पे 6 करूँ और मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, क्या हमारे को एक ही रिजल्ट दिखे, तो अब क्या आएगा, क्यों, क्योंकि 6 और 5 दोनों इक्वल नहीं है। इसी के साथ हमारे दो ऑपरेटर, ठीक। इसके बाद बात करते हैं हमारे ग्रेटर देन की, दोबारा से मैंने लिखा ए ग्रेटर देन बी। अब ये क्या है, कौन सा ऑपरेटर हमारा, ग्रेटर देन, ग्रेटर। अब ये क्या पूछ रहा है कि हमारा 5 जो है क्या वो ग्रेटर है 6, क्या ये बात सही है, 5 ग्रेटर थोड़ी है 6, 5 तो स्मॉल है। इसका आंसर क्या आना चाहिए हमारा, बेसिकली हमारा फॉल्स आना चाहिए, देखते हैं इसका आंसर, फॉल्स बिल्कुल ठीक, तो इसका आंसर हमारा बिल्कुल ठीक है। बट व्हाट इफ अगर मैं एक ही जगह 7 पर, अब ये पूछ रहा है क्या 7 बड़ा है 6, 7 क्या बड़ा है 6, तो ये बात तो बिल्कुल ट्रू है, ऑब्वियसली 7 बड़ा है, तो ये हमें आंसर क्या देगा, आंसर बिल्कुल ही सही। होप सो आपको ग्रेटर देन ऑपरेटर समझ आया, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर की हमारे, दैट इज आवर लेस देन, ए लेस देन, देखते हैं तो मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। अब हम बात कर रहे हैं किसको, लेस देन, लेस देन चेक कर रहा है कि ए हमारा जो है वो छोटा होना चाहिए बीच, मतलब क्या 7 मेरा छोटा है 6 से, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं, 7 तो बड़ा है, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए मेरा, फॉल्स, बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं, फॉल्स, ठीक है। बट व्हाट इफ अगर मैं यहाँ पर 7 की जगह 3 कर दूँ, अब क्या है, अब ये क्या पूछ रहा है पता है, अब ये पूछ रहा है कि हमारा 3, हमारा जो 3 है क्या वो लेस देन है 6, ऑब्वियसली लेस देन है, 3 छोटा होता है 6, तो अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ तो हमारा क्या आंसर आना चाहिए, कुछ और ही एरर आ रहा है, इसको यहाँ से चला कर शायद ठीक करें।
ये आंसर ट्रू दे रहे हैं, इसको बाद में देखेंगे कि ऐसा क्यों दे रहे हैं, यहाँ पर ये ट्रू दे रहे हैं मुझे, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारा थ्री छोटा ही होता है ऑब्वियसली सिक्स से, इसको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। इसके बाद हमारे दो ऑपरेटर्स और बचे कंपेरिजन होगी, तो मैं इसको लिखता हूँ। अब हमारा ऑपरेटर ऑलमोस्ट सेम ही होता है जैसे हमने कहा, ठीक है, अब मैं लिखता हूँ यहाँ पर ए लेस देन इक्वल्स टू बी। अब इसका मतलब क्या है, इसका ये जो है लेस देन इक्वल्स, हमारा ऑपरेटर लेस देन इक्वल्स का मतलब क्या हुआ कि या तो छोटा हो, या तो हमारा ए छोटा हो, मतलब थ्री लेस देन इक्वल्स टू सिक्स, या तो छोटा हो या बराबर हो। यहाँ पर अगर इसको देखना चाहें बस कोड को चलाएं तो क्या आएगा हमारा, हमको देखते हैं थोड़ा सा, एक बार ट्राई करते हैं यहाँ से चला के, तो ट्रू आ रहा है, थ्री ऑब्वियसली छोटा है इससे सिक्स से हमारे, तो यहाँ पर बिल्कुल ही सही आ रहा है सर। बट वट इफ अगर मैं यहाँ पर भी क्या कर दूँ सिक्स, अब क्या है, अब ये क्या कह रहा है, सिक्स क्या छोटा या बराबर है सिक्स के, बिल्कुल सही बात है, बराबर में आ रहा है, तो हमारा जवाब क्या है, अब ये ट्रू देना चाहिए, बिल्कुल सही। अब लेस देन इक्वल्स के बाद हम बात करते हैं ग्रेटर देन इक्वल्स, मैंने लिखा ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी, ग्रेटर देन इक्वल्स, ग्रेटर देन इक्वल्स मैंने लिखा यहाँ पर, ग्रेटर देन इक्वल्स, ग्रेटर देन इक्वल्स का मतलब भी समझ ही आ रहा होगा तुमसे कि या तो बड़ा हो ए सिक्स, ग्रेटर देन इक्वल्स टू सिक्स, बात तो सही है, अब ये बड़ा तो नहीं है लेकिन बराबर है, तो इसको भी अगर मैं कोड को चलाऊँ तो ये आंसर मुझे क्या देना चाहिए ट्रू। बट वट इफ अगर मैं यहाँ पर सिक्स की जगह नाइन हो, नाइन से क्या आंसर मिलना चाहिए, और ध्यान से सोचना, इसको तो अगर मैं यहाँ पर नाइन कर देता तो नाइन बड़ा होता सिक्स, तो ये भी आंसर मुझे क्या देना चाहिए, ये भी ट्रू दे रहा है आंसर, बिल्कुल भी ठीक है ये। बट वट इफ अगर मैं यहाँ पर थ्री, थ्री का मतलब क्या हो, इसको थ्री कर दूँ, क्या थ्री मेरा छोटा होता है सिक्स, नहीं होता, बराबर भी नहीं, अगर मैं स्कोर को रन करूंगा तो ये मुझे क्या देगा फॉल्स, तो बिल्कुल सही दे रहा है। होप सो आपको कंपैरिजन ऑपरेटर अच्छे से समझ आए होंगे, अगर आपको समझ आ गए तो हम आगे मूव करते हैं, अगर नहीं समझ आए तो वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड कर बैकवर्ड कर लीजिए और दोबारा देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। साथ साथ कोड करना बहुत ही जरूरी है, साथ साथ कोड करेंगे तो समझ और अच्छे से आए, ठीक है। अब इसके बाद हमारा लास्ट ऑपरेटर जो बच गया है वो बच गया है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर्स। हम लॉजिकल ऑपरेटर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स हैं हमारे लिए, तो लॉजिकल ऑपरेटर पहले थोड़ा समझते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर बेसिकली क्या होता है, ये हमारे को लॉजिक डिफाइन करने में हेल्प करता है, ठीक है, मतलब कि हमें मल्टीपल कंडीशंस के साथ खेलना सीखते हैं। जैसे अभी हमने कंपेरिजन ऑपरेटर यूज करा, उसमें हम सिर्फ दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं, बट वट इफ अगर मुझे तीन चीज़ों को कंपेयर करना हो, चार चीजों को कंपेयर करना और उससे एक रिजल्ट चाहिए, तो उस केस में हमें यूज करना पड़ता है हमारे लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। होते वहां भी कंपैरिजन ऑपरेटर भी यूज होगा और हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर बेसिकली कंबाइन करता है कंपैरिजन ऑपरेटर्स के रिजल्ट, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा समझते हैं। जैसे कि हमारा सबसे पहले मैं देखूँ, सबसे पहले लॉजिकल में एंड ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर क्या होता है बेसिकली, ये दो कंडीशंस के बीच में लगता है, दो कंपैरिजन ऑपरेटर वाले हमारे टास्क के बीच में लगता है, जिसके बीच में बताता है दोनों के दोनों अगर ट्रू है तो ये हमारा ऑपरेशन क्या देगा ट्रू। इसको समझते हैं बोला से हमारा क्या होता है, तो पहला हमारा ऑपरेटर है, फर्स्ट ऑपरेटर है सब एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर क्या करता है, मैंने देखा ए greater than b and a greater than c, अगर मैंने ये दो चीज लिखी, ये दो चीजें लिखी, a greater than b and a greater than c, अब अगर इसका रिजल्ट ट्रू है
और इसका रिजल्ट भी ट्रू है, तो हमारा ये क्या देगा? ये दोनों को चेक करता है और ये देखता है कि दोनों अगर ट्रू है तो ही ये ट्रू देगा, बट अगर एक फॉल्स हो और एक ट्रू है तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा? इसको दोनों ट्रू चाहिए, एंड का मतलब कि ये दोनों के दोनों ट्रू मांगता है। अगर पहला वाला ट्रू है और दूसरा वाला फॉल्स है तो भी इसका आंसर क्या रहेगा? और दोनों फॉल्स है तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या रहेगा? अब अगर इसको हम थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझे तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक कॉलेज है, कॉलेज के अंदर उन्होंने क्राइटेरिया रख दिया एडमिशन का कि आप 12th पास होने चाहिए एंड 12th में आपकी जो परसेंटेज है वो 80% से अबव भी होनी चाहिए। तो ये दोनों क्राइटेरिया अगर मैच करेंगे तभी हम आपका एडमिशन लेंगे। तो यहाँ पर दोनों कंडीशंस के बीच में क्या लग रहा है? एंड, कि हमें दोनों की दोनों ट्रू चाहिए कि हमारे क्लास आपकी 12th क्लियर भी होनी चाहिए और क्लास 12th के मार्क्स आपके 80% से अबव भी होंगे। तो होप सो आपको ये वाला पार्ट समझ आया होगा, इसको थोड़ा सा कोड करते हैं और समझ सकते हैं। हमारे यहाँ इसके लिए हम बनाते हैं तीन वेरिएबल्स, int a equals to let's say 5, int b equals to let's say 3 and int c equals to let's say 2। ठीक है, अब देखते हैं। मैंने लिखा सबसे पहले तो मैंने लिखा a is greater than b and a is greater than c। मैंने ये चीज लिखा a is greater than b and a is greater than c। आप समझते हैं इस वाले एक्सप्रेशन पर, ये एक्सप्रेशन क्या क्या है? ये एक्सप्रेशन क्या है? क्या 5 greater than 3 है and क्या 5 greater than 2? अब ये केस ट्रू है, ये भी ट्रू है, इन दोनों का आउटपुट कंबाइंड रिजल्ट क्या आना चाहिए? चलाते देखते हैं, कोड रन करके देखते हैं, बेसिकली हमें पता लग जाएगा। तो ये बिल्कुल सही आ रहा है, तो इसका मतलब कि हमारा ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। बट व्हाट इफ मैं यहाँ पर लिख दूँ ए लेस देन सी का मतलब क्या? ये हमें उस वाली कंडीशन के अंदर कुछ चेंजेस करने के लिए कह रहा है कि 5 छोटा है। अब ये क्या हो गया? ये कंडीशन का फॉल्स है और ट्रू प्लस फॉल्स मिलकर क्या बनता है? फॉल्स। तो अगर मैं इस कोड को रन करूं तो क्या आना चाहिए हमारा? फॉल्स। तो ये बिल्कुल सही काम कर रहा है, इसको काम करने के लिए दोनों से दोनों चीजें ट्रू चाहिए। तो सो आपको ये समझ आएगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं हमारा और हमारा ये और ऑपरेटर होता है, इसको बेसिकली दो लाइन से रिप्रेजेंट करा जाता है। अब और ऑपरेटर को क्या चाहिए? और ऑपरेटर के नाम से ही थोड़ा सा समझ आ रहा है, इसको कोई भी एक कंडीशन ट्रू चाहिए। जैसे लेट से मैंने लिखा ए ग्रेटर देन बी और इसका सिंबल होता है, दो लंबे हमारी लाइन्स आ जाती है एंड ए ग्रेटर देन सी। अगर पहले का रिजल्ट ट्रू है और दूसरे का भी ट्रू है तो इसका जो आउटपुट रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? एक का रिजल्ट फॉल्स है, दूसरे का ट्रू है, तो भी इसका रिजल्ट क्या आएगा? इसका रिजल्ट ट्रू है, इसका रिजल्ट फॉल्स है, तो इसका आंसर क्या आएगा? दोनों का रिजल्ट अगर फॉल्स तो इसका आंसर क्या आएगा? बेसिकली ये क्या बोल रहा है, इस कंडीशन को समझते हैं। अगर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझो तो अब वही कॉलेज वो कह रहा है कि मैं आपको एडमिशन दे दूंगा अगर आपने पॉलिटेक्निक कराओ या आपकी क्लास 12th क्लियर, कोई भी एक क्राइटेरिया आपका रिलेटेड हो तो मैं आपको एडमिशन दे दूँ। जनरली बीटेक में होता है ऐसे, तो आप कोई पर्सन गया जिसका बीटेक पॉलिटेक्निक कम्प्लीटेड है तो उसको भी एडमिशन मिल गया। कोई पर्सन गया जिसका 12th क्लियर है बट पॉलिटेक्निक नहीं करा तो उसको भी एडमिशन मिल गया। कोई पर्सन ऐसा गया जिसके 12th भी क्लियर नहीं है और उसने पॉलिटेक्निक भी नहीं करा तो उसको मना कर देंगे क्योंकि उसने एक भी क्राइटेरिया फॉलो नहीं करा। तो और ऑपरेटर बोलता है कि मुझे कोई भी एक कंडीशन आप ट्रू दे दो तो मेरा रिजल्ट क्या आ जाएगा? ट्रू। तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं, ठीक है, इन पर आके मैं इसको कर देता हूँ कमेंट आउट और आगे बढ़ते हैं। तो मैंने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ए ग्रेटर देन बी और ए ग्रेटर देन सी। अब इस चीज में क्या है, तो पहले कंडीशन को समझते हैं और रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हैं। फाइव
ग्रेटर देन 3 है और 5 ग्रेटर देन 2, इसका रिजल्ट ट्रू एंड इसका भी रिजल्ट ट्रू। जब दोनों का रिजल्ट अगर ट्रू है तो ये हमारा आंसर क्या देगा, एंड चेक करते हैं कोड को रन करके, ट्रू आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। बट व्हाट इफ अगर मैं कंडीशन को थोड़ा सा चेंज कर दूं, मैं यहाँ पर देख दूँ ए लेस देन, अब ये किस तरीके से हमारा कन्वर्ट हो गया होगा, मैं यहाँ पे लिखा 5 लेस देन सी कैप, 5 छोटा होता है, अगर इसका आप रिजल्ट देखेंगे तो क्या आएगा, पहली वाली कंडीशन तो अभी भी ट्रू है, अब और ऑपरेटर को क्या होता है, दोनों में से कोई भी एक ट्रू, तो पहला इसको ट्रू मिल गया ना, तो अब ये क्या करेगा, आंसर क्या देगा, कोड को रन करके देखते हैं। यहाँ पर क्या बता रहे एक्सटेंशन मैंने डाल रखी है, इसमें कभी कभार एरर दे रहा है, तो अगर मैं इसको यहाँ से रन करूँ तो ये सही हो जाएगा, तो ये क्या दे रहा है, अभी भी ट्रू दे रहा है, ठीक है, तो बिल्कुल ही सही चल रहा है हमारा कोड। तो होता क्या है बेसिकली, ये हमें ट्रू दे रहा, ठीक है, तो इसको कोई भी एक ट्रू चाहिए। अब हमारा क्या कौन सा बच गया, नॉट ऑपरेटर। नॉट का मतलब क्या होता है, ये बेसिकली कन्वर्ट कर देता है एक रिजल्ट, ठीक है, अगर वो रिजल्ट ट्रू है तो उसको फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा, फॉल्स है तो उस रिजल्ट को किस में कन्वर्ट कर देगा, ट्रू में। जैसे मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पर लिखा ए ग्रेटर देन, अगर मैं इस कोड को रन करूँ तो क्या आएगा हमारा आंसर, बिल्कुल सही आ रहा है ट्रू। अगर मैं इसके आगे इसी आगे मैं क्या लगा दूं, मतलब नॉट, तो यहां से आंसर आया ट्रू, बट नॉट ऑपरेटर से क्या हुआ, ट्रू की जगह किसमें कन्वर्ट हो गया वो, फॉल्स, ठीक है। तो नॉट ऑपरेटर क्या करता है बेसिकली, नॉट ऑपरेटर आपका जो काम करता है, इसका साइन होता है एक्सक्लेमेटरी मार्क, ये क्या करता है, हमारे रिजल्ट को अगर वो ट्रू है तो किसमें कन्वर्ट कर देगा, फॉल्स में, अगर फॉल्स तो उसको किसमें कन्वर्ट कर देगा, वो ये आंसर को चेंज कर देगा। तो एक आध एग्जाम्पल और देखते हैं इसमें, अब की बार मैंने लिखा ए लेस देन बी, इसका मतलब क्या था, इस वाले पार्ट का ही मतलब समझते हैं, ए लेस देन बी, ए लेस देन बी का मतलब क्या हुआ, 5 क्या छोटा है 3, इस वाले पार्ट का जो आंसर है वो है हमारा फॉल्स। अब फॉल्स, फॉल्स के आगे क्या लगा है हमारा, नॉट ऑपरेटर, ये फॉल्स को किसमें कन्वर्ट कर देगा, हमारे ट्रू में, तो इसको पूरा रन करते हैं देखते, तो ट्रू दे रहा है, सही है। तो आई होप सो आप सबको ऑपरेटर सारे तरीके के समझ आएंगे, इनकेस अगर आपको थोड़े बहुत डाउट्स है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होने वाला है वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ लूंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा डीएसए में हम कंडीशनल स्टेटमेंट को यूज कर लूंगे। तो आई होप सो आपको वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में अपने सजेशंस दे सकते हैं, और अगर आप हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे। थैंक यू।